Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing trigonometry and this is video lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एंगल का कन्वर्जन कैसे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल्स हों तो उनका कन्वर्जन कैसे होगा. आज थोड़ा और आगे उसको सीखते हैं और कुछ उसके एप्लीकेशन सीखते हैं कि उसको सीखने से क्या फायदा हुआ. पहले एक मिनट में उसको रिवाइज करते हैं जो हमने सीखा था. हमने यह सीखा था कि 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है एंड साइन भी चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट. 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है सिर्फ साइन का ध्यान रखना होता है. तो कैसे, जैसे मान लीजिए अब इसे फायदा क्या होगा, कुछ एप्लीकेशन पहले सीखते हैं उसके बाद बात करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू, पहले तो आपको याद होगा 30 40 60 70 की वैल्यू याद होगी, आपको जरूर याद होगा. नहीं याद होगा तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं. ठीक है, ये क्या है, एक टेबल आप पहले से याद किए होंगे कि ये साइन कॉस टैन साइन कॉस टैन है ना, थीटा थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. तो ये आपने ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये आपने पहले से याद किया होगा अपने क्लास के हिसाब से, है ना. और ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितने होती है, 0, 30 की 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1. इसी को उल्टा लिख देना है यहाँ पे तो कोई नई बात नहीं है. 1/√2, 1/2 और 0. साइन बाई कॉस टैन होता है तो 0/1 0, ये डिवाइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3. ये सेम चीज है डिवाइड होकर के 1, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 रह जाएगा. 1/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड कॉल्ड इंफिनिटी. ये बात आपको पहले से पता है, इतना आपने याद किया होगा और बहुत अच्छी बात है अगर आपने याद किया है तो. लेकिन अगर अब आपको वैल्यू निकालनी है कि साइन 120 की वैल्यू निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, दो बातें कर सकते हैं आप. एक इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री. अभी आपने पिछले क्लास में सीखा है कि साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट लाई करता है, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री तो होगा ही होगा. अब सवाल है कि प्लस या माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा, ये एंगल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए होगा प्लस साइन 30. यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. तो साइन 120 की वैल्यू 1/2 आप कैलकुलेट कर पाएंगे. इसी सवाल को करने का एक और तरीका भी हो सकता है, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री. साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे गलत हो गया है. साइन 90 प्लस 30 इज कॉस 30 एंड कॉस 30 इज √3/2. यहाँ पे साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा यानी ये 90 का इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन नहीं बदलता है यानी साइन में ही आंसर रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है इसलिए पॉजिटिव भी होगा. तो प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या है, 60 डिग्री, और तब भी वैल्यू हो जाएगा √3/2. तो ये हो गया कि साइन 120 की वैल्यू हम 90 से भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और 180 से भी कर सकते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला कोई भी एंगल आप चाहें तो उसे 180 में से भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है,
ये 180 है, ये 90 है, 90 से प्लस थीटा करेंगे तब भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस थीटा करेंगे तब भी आएगा। अब दोनों में से कौन करना चाहिए, सवाल यह है कि दोनों में से कौन सा करना चाहिए। तो 90 प्लस थीटा अगर करते हैं तो आपको फंक्शन का भी बदलने का ध्यान रखना पड़ेगा और साइन का भी। हो सकता है कि फंक्शन आप बदलना भूल जाएं, जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिया, भूल के दिया ना, भूला था ना मैं यहाँ पे, तो भूल के मैंने एग्जांपल दिया कि भूल सकते हैं, आप भी भूल सकते हैं, जैसे हम भूल गए आप भी भूल जाएंगे। तो फंक्शन भूल सकते हैं और 180 माइनस थीटा करेंगे तो सिर्फ साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि हम 180 माइनस से करें माइनस या 180 से प्लस करें। एक विश्वास दिलाने के लिए एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं निकालना है कॉस 150 डिग्री की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चूंकि 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है, तो फंक्शन बदलेगा। फंक्शन कॉस का किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और थीटा की जगह पर क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। अब सवाल है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए माइनस साइन 60, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। इस टेबल से आपने देखा कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसी को करने के लिए जैसा कि मैं कहा कि दूसरे तरीके भी हैं, कॉस 150 को आप लिख सकते हैं फिर से लिख सकते हैं कितना, 150 को आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। अब 180 चूंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब कॉस ही रहेगा और थीटा की जगह पे 30 डिग्री ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा, फंक्शन बदलने का टेंशन तो नहीं है लेकिन एंगल बदलने का है। एंगल क्या होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, इसलिए होगा माइनस कॉस 30, और ये वैल्यू हो गया कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2। दोनों ही बातों से आ सकता है, लेकिन ये करने पर आपको लग रहा है कि सिर्फ हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, और ये करने पर फंक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है टेन 300 डिग्री या 240 डिग्री, निकाल देते हैं टेन 240 डिग्री, तो क्या करेंगे। अब टेन 240 को आप लिख सकते हैं टेन कितना, 180 प्लस 60। अब देखिए 180 प्लस 60 लिखने से क्या होगा कि 180 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए फंक्शन बदलने का टेंशन नहीं है, ये टेन 60 ही होगा। अब सवाल है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में, है ना, 180 यहाँ होता है और 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट टेन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा और टेन 60 की वैल्यू √3 ये निकल के आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको निकालना हो कॉट 300 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉट 360 माइनस 60 लिखते हैं, ये 94 जा है, 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, कॉट 60 ही रहेगा, लेकिन माइनस होगा कि प्लस ये देखना है, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 360 यहाँ होता है, माइनस है मतलब निगेटिव है, तो 360 माइनस थीटा इसमें लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो गया, यानी -1/√3 ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम फंक्शन को बदल सकते हैं और किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपके लिए एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, जरा करके देखिए, आपको होना चाहिए आपसे। जैसे साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 75 की वैल्यू, 75 नहीं, कॉस 135 की वैल्यू निकालनी है, सेक सेक 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और टेन
315 डिग्री की वैल्यू निकाल दी। आप निकालिए जरा, देखें आपको आता है कि नहीं आता, फिर हम बताते हैं। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो साइन 225 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45। 180 प्लस 45 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन 45 माइनस के साथ होगा और वैल्यू हो गया -1/√2। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से कॉस 135 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 -45, ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस, तो माइनस कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से टैन 6 150 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 180 -30 डिग्री, और ये हो गया सेक कितना, तो 180 -30 ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 से कम है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है माइनस, सिर्फ 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 का उल्टा यानी 2/√3। कोसेक 210 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी, इसको भी हम लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 30, ये हो जाएगा कितना, तो ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। थर्ड में कोसेक क्या होता है माइनस, माइनस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री साइन 30 का उल्टा होगा, साइन 30 1/2 होता है, इसका उल्टा 1/√2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप टैन 315 को लिख सकते हैं टैन 360 -45। 90 का इवन मल्टीपल है, 94 या 360, और माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये लाई करेगा फोर्थ में। फोर्थ में क्या होगा टैन माइनस, माइनस टैन 45, टैन 45 की वैल्यू होती है -1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी ने कहा आपको कि निकालिए कि कॉस 1470 की वैल्यू निकालिए, क्या करेंगे, या टेन 1110 की वैल्यू निकालिए तो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि 90 का कौन सा मल्टीपल होगा, तो 360 × 4 होता है 440, तो इसको 360 × 4 प्लस 30 अगर लिख दिया जाए तो बात बराबर हो जाएगी। अब 360 का मतलब हुआ एक कंप्लीट सर्कल, और एक कंप्लीट सर्कल आने के बाद एंगल की गिनती फिर वहीं से शुरू होगी यहां से, तो ये एक सर्कल नहीं है, फोर सर्कल आ गए, फोर टाइम्स पूरी कंप्लीट हो गया। 90 का इवन मल्टीपल है, 360 ही 90 का इवन मल्टीपल है, उसके कितने भी मल्टीप्लाई कर लोगे इवन मल्टीपल रहेगा, तो फंक्शन बदलेगा नहीं, फंक्शन यही रहेगा 30 cos ही। अब सवाल है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ना यहाँ पे, और प्लस 30 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह से टेन 1110 इसको आप लिख सकते हैं टेन 360 × 3 इज 1080 प्लस 30 डिग्री, यहाँ तीन साइकिल पूरा हो गया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये होगा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरीके से हमने बड़े सारे एग्जाम्पल ले लिए, आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट सिस्टम से क्या फायदा है, कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही बात थोड़ा रेडियन में सीखते हैं। रेडियन में अगर ये कहूं कि ये वैल्यू जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ध्यान से देखें, तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे फिर क्या आएगा 2π, यहां से यहां तक 1π, ये कंप्लीट 2π, फिर दो सर्कल के बाद 4π, तीन सर्कल के बाद 6π, इस तरह से इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आएगा, 2π + π इज 3π, तो 3π यहाँ आएगा, 5π भी यहीं आएगा, 7π भी यही आएगा, इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग ये सीखे कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा होगा तो
तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा ये लाई करेगा यहाँ पे, ऑड ये है पाई माइनस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा इधर लाई करेगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इधर लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाई प्लस थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा इस तरह से ये सब इधर लाई करेगा। पाई माइनस थीटा 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा 5 पाई माइनस थीटा एटसेट्रा ये सब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा 3 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा ये सब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इधर मैं 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा एटसेट्रा इधर लाई करेगा। तो आपको अब ये देखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थी माइनस थीटा किधर लाई करेगा, इस इनिशियल लाइन के साथ इसलिए के पैरेलल होगा तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, इस पर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो फंक्शन चेंज नहीं होता। फंक्शन चेंज कब होता है, जब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अगर इधर से होगा तो चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनिशियल लाइन के अलॉन्ग होगा तो चेंज नहीं होगा फंक्शन। अब हम कर सकते हैं इसका उपयोग, जैसे मान लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना है sin 3π/4, तो हम इसको लिख सकते हैं sin π - π/4, 3π/4। पाई क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए +sin π/4, और π/4 45 डिग्री होता है, इसलिए वैल्यू हो गई 1/√2। कोई दिक्कत? इसी तरह से आपको निकालना है cos 11π/3। मान लीजिए तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, करीब ये आ रहा है, 3 3 जा 9 भी कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल जो होना चाहिए ये हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। तो 3 3 जा 9 प्लस 2π/3, वो एक्यूट एंगल नहीं हुआ 2π/3, तो बड़ा हो गया, 2π/3 हो गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ना हो करके क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, इसलिए 3 टाइम्स करने के बजाय हमें करना चाहिए 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, 4π - π/3। अब ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 4 क्या है, इवन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस प्लस, तो इसलिए वैल्यू हो गया cos 30 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो कहीं पर भी आपको एंगल निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना हो tan 37π/4, अब इसकी वैल्यू निकालनी, tan 37π/4, तो 4 9 जा 36, इसलिए हम लिख देंगे tan 9π + π/4, है ना, तो ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा किधर लाई करता है, इधर लाई करता है, इसमें टैन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी tan π/4 वैल्यू हो गई 1, 45, π/4 45 डिग्री हो गया, 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये वैल्यू सब ज्ञात कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल लग रही है तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देखें। सेक, अब यहां पर एक चीज और सीखना है, सेक मान लीजिए आपको निकालना है कि 77π/4, अब आप यही कर सकते हैं, 19 सेक 19π
प्लस पाई बाई फोर लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में, थर्ड में से क्या होता है माइनस, तो ये हो गया वैल्यू रूट। ऐसे कहीं पर भी हम एंगल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो पाई में हो चाहे डिग्री में। पाई में होने से ये फायदा है कि ये पाई ऑलरेडी 180 है, 180 मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन कहीं चेंज करने का टेंशन नहीं है, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट देखना है जिससे कि हम साइन के बारे में साफ साफ बता सकें कि साइन क्या होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो चलते चलते एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। कोसेक 29 पाई बाई सिक्स, अब इसको लिख सकते हैं कोसेक क्या 5 पाई 6, 5 या 30 माइनस पाई बाई सिक्स, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, पाई बाई सिक्स यानी 30, 30 की वैल्यू होगी 2। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी बात और सीखना है हमें, एक और बात कि जब एंगल निगेटिव हो तो क्या करेंगे। तो एंगल जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने कहा था कि एंगल निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, एंगल निगेटिव हो तो क्या करोगे, ये इनिशियल लाइन है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 या पाई बाई 2 कह सकते हैं, ये पाई या 180 कोई दिक्कत नहीं है, और ये 3 पाई बाई 2 और 270। यहां से एंगल इधर की ओर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये एंगल निगेटिव एंगल कहलाता है, यहां से अगर ये मान लें कि ये थीटा बना रहा है तो ये माइनस थीटा कहलाएगा, माइनस थीटा कहलाएगा, और माइनस थीटा होने की वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या माना जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और से क्या होता है पॉजिटिव, तो हम ये कहेंगे कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, लेकिन बाकी इन दोनों को छोड़ करके कोई भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो होगा निगेटिव, सेक माइ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा एटसेट्रा, इस तरीके का होगा। ठीक है ना, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर्स आर निगेटिव। इसको आप 360 माइनस थीटा की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना, कि 360 माइनस थीटा की तरह है। जैसे ये लिखूं सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस थीटा इज द सेम थिंग एंड दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, ऐसे। अगर आपको कॉस टू कोसेक 360 माइनस थीटा करना है, 360 माइनस थीटा दैट इज सेम लाइक कोसेक माइनस थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, या 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम हमेशा नेगेटिव एंगल को क्या मानेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसी के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। तो जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास है साइन -30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम पहले इसे ट्रीट करेंगे साइन माइनस थीटा की तरह, माइनस साइन थीटा ये हो गया, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें निकालना है कोसेक 150 डिग्री, ये भी है माइनस के साथ, तो हम इसको लिख देंगे कोसेक माइनस कोसेक 150 डिग्री एंड दैट इज माइनस कोसेक 180 -30 डिग्री, और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये साइन पहले से माइनस है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2, तो -2 आ गया। अगर आपको लिखना है टेन -11 पाई बाई 4, तो आप क्या करेंगे, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम लिखें 4 3 12 -10 3 पाई -π/4, 3π - थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, याद है ना,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, ये देखो ये है ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड यहाँ पे आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब थोड़ा कम है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में टेन क्या होता है माइनस, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो पहले वाला माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो गई वन। कितना भी बड़ा कोई नेगेटिव एंगल हो, चाहे वो डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो, आपको क्या करना है कि उसे पहले नेगेटिव एंगल की तरह ट्रीट करना है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद इसे कैलकुलेट करना है। जैसे ये कुछ क्वेश्चन करें, सेक माइनस 17 पाई बाई फोर, कोसेक माइनस 330 डिग्री, कॉट माइनस 210 डिग्री, एंड वन मोर क्वेश्चन दैट इज कॉस माइनस 150 डिग्री क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, इसको करने के लिए यही तरीका है कि सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो सेक 17 पाई बाई फोर, नाउ यू कैन राइट इट सेक 4 पाई, 4 4 जा 16 प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, तो सेक पाई क्या हो गया, ये 4 पाई प्लस पाई बाई फोर, ये 4 पाई हुआ इवन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेक पाई बाई फोर वैल्यू हो गई रूट टू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोसेक 360 30 है, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक 330 डिग्री, एंड दैट फर्दर कैन बी रिटन एज माइनस कोसेक 360 माइनस 30, है ना, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेक क्या होता है माइनस, तो एक और माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस कोसेक 30, एंड कोसेक 30 इज व्हाट टू, तो आंसर हो गया टू। कॉट 210 इसको क्या कहेंगे, माइनस कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो 210 डिग्री, फर्दर दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉट 180 प्लस 30, ये 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन ये पहले से नेगेटिव है, तो उस पहले से नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हुआ लेकिन बाहर में एक माइनस से मल्टीप्लाई है, इसलिए हो गया कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है माइनस रूट थ्री। कॉस माइनस 150 इज कॉस 150 डिग्री, एंड दैट इज कॉस 180 माइनस 30, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है माइनस, कॉस होता है माइनस, माइनस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, तो माइनस रूट थ्री बाई टू आंसर आ गया। समझ में आ रही बात, तो ये कन्वर्जन आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक दो और कर देते हैं, सेक माइनस 37 पाई बाई सिक्स, तो इसको सेक माइनस थीटा इज माइनस प्लस सेक थीटा, सेक 37 पाई बाई सिक्स, ये प्लस लिखे ना लिखे बात एक ही है, इसको आप लिख सकते हो सेक 6 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेक पाई बाई सिक्स 30 डिग्री 2 बाई रूट थ्री आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, और एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू एंगल की, चाहे वो रेडियन मेजर हो चाहे डिग्री मेजर हो, उसकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी सारी चीजें सीखने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, कुछ क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें, जो हमने क्वेश्चन इसमें किए हैं उसको दोबारा घर पे प्रैक्टिस करें खुद से, अगर आपसे हो रहा है तो इसका मतलब आप सीख गए हैं, अगली क्लास में इसके एप्लीकेशन की बात की जाएगी, जिसमें ग्राफ भी शामिल होंगे, साइन कॉस टैन सेक कोसेक का ग्राफ कैसे होगा उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितना भला लोगों का हो जाए उतना अच्छा है। मजे लीजिए, पढ़ते रहिए, आनंद रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।